मैं तो आकांक्षा को मैं इसको पहले बार में जो अपने सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेटा, सेकंड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दी थी, है ना। पुस्तकों के ज्ञान के साथ हमें कौन सा ज्ञान सीखना चाहिए, छोटे के समय किसका ज्ञान प्राप्त किया। आज हम चलते हैं चैप्टर थर्ड, क्लास नंबर आपकी, और चैप्टर थर्ड है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब टारगेट, अपना कार्य क्या पूरा करना है, हमें अपने कार्य को कैसे पूरा करना है, एक मन लगाकर उस कार्य को कैसे पूरा किया जाता है, ये है हमारे चैप्टर थ्री। देखिए आप चैप्टर थ्री लक्ष्य, ओपन योर बुक एवरीवन स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक चैप्टर थ्री लक्ष्य, पेज नंबर 16, 16 16, ओके, यस। चैप्टर के साथ में पहले आपको शब्दार्थ करवा देती हूँ, शब्दार्थ से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एवरीवन ओपन योर नोटबुक, पहले आप शब्दार्थ करेंगे नोटबुक में, उसके बाद चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो पहला शब्दार्थ है आपकी रुचि, क्या है रुचि, रुचि का अर्थ क्या होता है शो। आपको पहले शब्दार्थ करना है रुचि, रुचि का अर्थ है बेटा शोक। इसको क्या क्या शोक होता है, मेहनत। सेकंड शब्दार्थ है मेहनत, मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत का अर्थ क्या होता है परिश्रम। थर्ड शब्दार्थ है शिष्य, शिष्य का अर्थ होता है चेला, गुरु और फिर शिष्य, गुरु होता है शिक्षा ज्ञान वाला देने वाला, और शिष्य होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला, शिष्य। परीक्षा, परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान, शब्दार्थ होगा बेटा। आपको नोटबुक में कंटिन्यू करना है ना, यह स्पेस नहीं है आपको नहीं करेगा, इसीलिए मैं इधर कर रही हूँ। आपको शब्दार्थ न्यू पेज पर हेडिंग डालेंगे चैप्टर थ्री की, फिर कंटिन्यू शब्दार्थ नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है। फिर तीर के बाद क्या आएगा, आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा का अर्थ होता है बेटा आदेश। गुरु आज्ञा देते हैं ना, आपको ये करके लाना है, ये करना है, तो आज्ञा क्या होगा आदेश। सेवन नंबर शब्दार्थ है प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ क्या होता है बेटा खुश, प्रश्न का अर्थ होता है खुश। नंबर एट शब्दार्थ लक्ष्य, चैप्टर याद आकर लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है उद्देश्य, मेरा ये लक्ष्य है, ये टारगेट है, मुझे ये कार्य पूरा करना है, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है उद्देश्य, है ना। तो चैप्टर का नाम ही क्या है लक्ष्य, कि इस चैप्टर में क्या बताया है, किसके बारे में बताया है। देखिए अपने और बुक, बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश में राजा राज्य करते थे, उनके पांच पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। ये पांचों राजकुमार पांडव कहलाते थे, और पांचों पांडव गुरु द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। अर्जुन को बचपन से ही धनुष बाण में बहुत रुचि थी, रुचि का मतलब शौक। सब बच्चों का अलग अलग शौक होता है ना, किसी का खेलने में, किसी का फुटबॉल में, किसी का बैडमिंटन में, किसी का डांस में, किसी का संगीत में। तो अर्जुन की सबसे पहले रुचि क्या थी, धनुष बाण के अंदर रुचि थी, है ना। वो बड़ी बड़ी मेहनत और लगन से धनुष बाण चलाना सीखते थे, वे गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। अब उनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम द्रोणाचार्य था, ठीक है। इन पांचों पांडवों के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था, जो धनुष बाण का ज्ञान देते थे, है ना। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को परीक्षा लेने का निश्चय किया,
उन्होंने एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया बनाकर टांग दी थी। राजकुमारों से कहा, तुम्हें चिड़िया की तीर पर मारना गिराना, लेकिन तीर चिड़िया की आंख में ही लगना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप पहले क्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। तो शब्दार्थ लर्न करने से आपको चैप्टर जब मैं रीड कराती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि बेटा तो आपको शब्दार्थ पहले लर्न करना है। और डायरी एंट्री में भी क्या करनी है, चैप्टर थ्री रीड आप क्या करेंगे पहले करके एकदम अच्छे से रीड करेंगे, जिससे मैं आपको समझूंगा ना तो आपको जल्दी समझ में आ सके। क्योंकि आपको पता है स्टोरी जैसे सुनी रहती है या देख के पहले रहती है तो आपको कहते तुरंत समझ में आ जाती है, आपको अच्छा लगता है, हाँ हाँ ये तो मैंने सुना था, ये तो मैंने पहले देखा था, है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, शब्दार्थ लर्न करेंगे। शब्दार्थ लर्न करने के बाद आप पहले चैप्टर थ्री को रीड करेंगे पूरा कम्प्लीट की तरह से, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से स्टोरी के जैसे इसको समझाऊंगी। स्टोरी के जैसे चैप्टर समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन आंसर आप खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आपको मैं हमेशा ऐसे क्लास में करवाती हूँ, आपको पहले चैप्टर रीड करना है और शब्दार्थ लर्न करना है। ओके, करोगे आप शब्दार्थ लर्न? थैंक यू।